तो हेलो गाइस, नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त तेज। और दोस्तों, आज के स्टूडियो में हम बात करने जा रहे हैं वॉर ऑफ टैंक स्प्लिट्स में टीयर 8 के जर्मन टैंक डिस्ट्रॉयर के बारे में, जो कि है RHM बोर्सी वॉफल टेनेगर टैंक। जी हाँ दोस्तों, बोर्सिंग टैंक। ये आप सामने देख सकते हैं कितना अलग सा ये टैंक देखने में लग रहा होगा आपको, बिल्कुल ही चपटा सा और काफ़ी बड़ा सा गन कैरी हुए। जी हाँ दोस्तों, ये गन ही इसकी मेन पावर है और ये टैंक अपने गन के लिए ही जाना जाता है। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं बोर्सिंग के बारे में और देखेंगे कि क्या कुछ है इसके पास और क्या कुछ ख़राब है इसके पास। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। पहले हम लोग चलते हैं सीधे इसके गन की तरफ। तो दोस्तों, यहाँ पर ना आपको जैसे कॉनवे में मैंने आपको बताया था पहले, वैसे ही यहाँ पर भी आपको स्टॉक गन देखने को मिल जाता है और साथ ही साथ एक तो मेन गन जो स्टॉक गन है वो भी Tier 10 का गन है, तो वो काफ़ी बड़ी बात है। और दोस्तों, वो गन अगर आप देख सकते हैं यहाँ पे, तो फिर 5 सेकंड का लगभग एमिंग टाइम, डिस्पर्शन 0.357, डैमेज पर मिनट 2000 के करीब, और बाकी यहाँ पे पेंट्रेशन काफ़ी अच्छा है 250, प्रीमियम पेंट्रेशन भी काफ़ी अच्छा है 320, और एवरेज डैमेज की बात करें तो 460 के साथ यहाँ बैठता है। तो ये सब देखने में आपको काफ़ी अच्छा लग रहा होगा। और साथ ही साथ यहाँ पे जो गन लिमिट है वो भी 5 डिग्री है, सिर्फ 5 डिग्री। थोड़ा सा कमजोरी है लेकिन ये बहुत ही चपटा, मतलब मैंने बताया कि बहुत ही नीचा इस ये टैंक है, तो फिर आपको ज़्यादा परेशानी उससे होगा नहीं। और दोस्तों, अगर बात करें बाकी स्पेक्स की, तो फिर आपको ये देख के लग रहा होगा कि भाई गन बड़ा अच्छा है, और सही में ये गन काफ़ी अच्छा है, यानी कि इसका भी स्टॉक गन में आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। लेकिन दोस्तों, आप तो जानते हैं मेन गन की बात ही कुछ और होती है। अगर इसके मेन गन की बात किया जाए तो एमिंग टाइम बढ़ के 6 सेकेंड हो जाता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। डिस्पर्शन भी काफ़ी ज़्यादा है 4.5। उसके बाद डैमेज पर मिनट लगभग उतना ही रहता है। पेनेट्रेशन इसमें प्रीमियम वाला बढ़ के 367 हो जाता है, और एवरेज डैमेज जो कि मेन चीज़ है वो बढ़ के 600 के करीब हो जाता है। और दोस्तों, Tier 8 पे कोई भी टैंक अगर 600 एवरेज डैमेज दे रहा है, तो फिर वो टैंक काफ़ी ज़्यादा ओवर पावर्ड कह सकते हैं। और ये भी उनमें से एक है कि अगर आप 600 वाला गन यूज़ करेंगे, तो फिर आपके पास यहाँ पे अल्फा का जो एडवांटेज वो रहेगा। और मेरे हिसाब से कि ये ज़रूरी भी होता है ऐसे टैंक में किसके, क्योंकि आप जानते हैं टैंक डिस्ट्रॉयर के पास बहुत कम यहाँ पे हिट पॉइंट होते हैं, और साथ ही साथ ये वाला टैंक डिस्ट्रॉयर ये तो बिल्कुल पेपर ही है। तो फिर इसलिए मुझे लगता है कि जो बड़ा गन है वो ज़्यादा सूट करेगा इसके प्ले स्टाइल को, क्योंकि आप ज़्यादातर पीछे रह करके छुप करके ही मारना प्रेफर करेंगे। तो और आप बार बार अपने एनिमी सामने जाना नहीं चाहेंगे, ना ही आप बार बार स्पॉट होना चाहेंगे। इसीलिए मुझे लगता है कि 600 वाला गन जो है वो बेस्ट रहेगा इस टैंक के लिए। और दोस्तों, अगर बाकी बात करें इसके इंजन की, तो फिर आप देख सकते हैं यहाँ पर जो इसका मैक्सिमम स्पीड है वो 35 किलोमीटर पर आवर है, और एवरेज स्पीड लगभग यहाँ पर 26 के आसपास। तो दोस्तों, अगर इस चीज़ को देखा जाए तो फिर बुरा नहीं है, मतलब 35 का स्पीड ठीक है, बहुत अच्छा नहीं है, बहुत बुरा भी नहीं है, और एवरेज स्पीड भी ये 25 के करीब चलता ही है, तो फिर वो भी ठीक है, बहुत अच्छा तो नहीं कहेंगे। आप काम कर जाएगा, क्योंकि आपको पीछे रहना है, आपको बहुत पुश तो करना नहीं है कोई भी। दोस्तों, अगर बात करें बाकी चीज़ों की, तो फिर इसका जो ट्रेन क्रॉसिंग कैपेसिटी है वो भी काफ़ी ठीक सा है, और बाकी सब कुछ भी इसमें एवरेज सा है। दोस्तों, इसके आर्मर की बारे में बात करने की कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इसके पास आर्मर है ही नहीं, पेपर टैंक डिस्ट्रॉयर है ये। आपको बस एक चीज़ ध्यान रखना पड़ेगा दोस्तों, प्रोविज़न है वहाँ पर आपको ये, यानी कि स्पॉल लाइनर, ये ज़रूर से इंस्टॉल कर लेना है, भले ही आपके पास पैसा कम क्यों ना हो। क्योंकि दोस्तों, ऐसी बात है, क्योंकि ऐसे जो टैंक होते हैं ना, इन पेपर टैंक के ऊपर लोग हाईली एक्सप्लोजिव शेल फायर करते हैं, और वो शेल बहुत ज़्यादा डैमेज देते हैं, आप जानते ही हैं। तो इसीलिए जो ये स्पॉल लाइनर, ये 20% डैमेज कम कर देता है, तो फिर आपको थोड़ा सा मदद मिलता है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप स्पॉल लाइनर जो है वो ज़रूर यूज़ करिएगा यहाँ पे प्रोविज़न में। अब दोस्तों, चलिए बिना किसी देरी के हम लोग एक रिप्ले में देखते हैं, चलते हैं और देखते हैं कि ये टैंक कैसा परफॉर्म करता है बैटल फील्ड पर। दोस्तों, हम लोग आ चुके हैं यहाँ पे हमारे बैटल में, और सबसे पहले आप देख लीजिए कि ये टैंक का स्पीड क्या है। आप देख सकते हैं इस समय यहाँ पे ये मैक्सिमम स्पीड क्लाइम कर चुका है लगभग, जो कि 25-26 और ज़्यादा से ज़्यादा 30 तक अगर स्लाइडिंग एरिया तो जा रहा है, उससे ऊपर ये टैंक नहीं जाता है। अब आप देख सकते हैं मैं पोजीशन कौन सा लेने जा रहा हूँ। तो पोजीशन सबसे पहले मैं ना ये जो नीचे बुश आपको दिख रहा है वहाँ पे जाऊँगा लेने, क्योंकि वो बुश मुझे काफ़ी पसंद है, और मैं यहाँ पे अपने टैंक डिस्ट्रॉयर्स या फिर काफ़ी टैंक की जहाँ से मैं यहाँ पे आना पसंद करता हूँ, जिसके साथ पहले ही हमें आया सेट दिखता है। और देखिए 522 का डैमेज हमें बिल्कुल आसानी से मिल गया, और हम टाइम पे पीछे बैकअप में आ भी गए। तो इसीलिए मुझे ये बुश पसंद है, क्योंकि पहले हम स्पॉट कर सकते हैं और साथ ही साथ
बाद में जल्दी से अनस्पॉटेड भी हो सकते हैं। फिर से हमने यहाँ पे एम एक्स पे एक शॉट लिया जो कि काफ़ी लो रोल था, मतलब 498 काफ़ी लो रोल था, और वो एम एक्स मुझे कैसे बाउंस किया मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आया कि आखिर ये बाउंस कैसे कर रहा है बंदा मुझे। तो यहाँ पे देखते हैं आगे, IS 3 498 एक और डैमेज IS 3 पे, नहीं शायद वो IS 8 है, सॉरी हाँ IS 8 पे लिया हमने जो कि काफ़ी बड़ा एक और लो रोल था। और फिर से हम बैकअप में, अब यहाँ पे जो IS 3 थोड़ा सा नूब टाइप का प्लेयर लग रहा है क्योंकि ये बिल्कुल ही ओपन में आ गया, तो थोड़ा सा रिस्क लेते हुए हम आगे जाएंगे, एक बढ़िया सा शॉट लेंगे, 750 डैमेज, बहुत तगड़ा था और ये तो काफ़ी लकी शॉट था। मुझे पता नहीं कि AMX का गन ख़राब है वो स्टॉक की क्या दिक्कत है, वो मुझे बाउंस कर रहा है। और RHM को आप लोग ना समझ लीजिए बहुत रेयर बाउंस मिलता है, मतलब कि 100 में से 1-2 बार ऐसा होगा कि इस टैंक को बाउंस मिल रहा, नहीं तो ये टैंक बिल्कुल भी बाउंस नहीं करता है। तो इसीलिए ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, मुझे पता नहीं क्यों मिल रहा था, शायद लग अच्छा होगा। बाकी एम एक्सप्रेस ओपन में शॉर्ट लेने की कोशिश करते हैं हम, बट नहीं वो पीछे आ जाता है समय पे, हम स्पॉट भी हो जाते हैं इसलिए हम थोड़ा सा सेफ खेलते हैं। बाकी हमारी टीम का एक बंदा ऑलरेडी डेड हो चुका है तो थोड़ा सा हम संभल के खेलते हैं, पेड़ गिरा यानी कि कोई आ रहा है। तो फिर उससे मैं आगे जाता हूँ, IS 3 मुझे सामने ही दिख जाता है और उसी के साथ IS 3 ख़त्म भी हो जाता है, तो उसको बाय बाय कर देते हैं। और सामने RHM है एनिमी टीम का जो कि हमें शायद एम कर रहा था, नहीं हाँ हमें एम कर रहा था, और मैंने कहा चलो रिस्क ले ही लेते हैं, और रिस्क लेने का हमें फ़ायदा हुआ भी और हमने यहाँ पे 700 के करीब डैमेज ले लिया। लेकिन दोस्तों आपने ये चीज़ देखा क्योंकि हमारे पास वो नहीं था जो हमारा कंज्यूमेबल है रिपेयर किट, तो इस वजह से हमें कितना ज़्यादा डैमेज हो गया, 7 बहुत ज़्यादा डैमेज हो गया। तो इसीलिए ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि लोग हाईली एक्सप्लोसिव शूट करेंगे आपके ऊपर और स्पॉट लाइनर होना आपके पास बहुत ज़रूरी है। अब इस पॉइंट पे आप देख सकते हैं आधा हेल्थ मेरे पास बचा, आधा से कम ही हेल्थ बचा है और एनिमी टीम भी आधी ही बची है, मतलब काफ़ी बंदे उनके भी सही नहीं खेल रहे हैं। यहाँ से एक शॉट लेने की कोशिश करते हैं बट डिस्पर्शन, मैंने बात किया था ना डिस्पर्शन उतना अच्छा नहीं है इस टैंक का, तो इसी वजह से जो वो शॉट है वो कहीं और चला जाता है, जहाँ मैं चाहता था वहाँ नहीं जाता बिल्कुल भी। T34 फिर से ओपन में बैठा हुआ है और मैं जानता था वहीं पे होगा वो, तो मैं ब्लाइंड शॉट लेता हूँ, उसको लग भी जाता है और ये लगभग 600 के आसपास डैमेज पक्का होना ही था, आप देख सकते हैं। और फिर से हम यहाँ पे स्पॉटेड हो जाते हैं, तो फिर हमें बस बच के रहना है कि हम अनस्पॉटेड रहें। फिलहाल इस समय तो हमारी टीम बिल्कुल ही अचानक से गायब हो जाती है भाई साहब, हम हाईली एक्सप्लोसिव लोड करते हैं और उस बंदे को ख़त्म करते हैं AT-15 को। अब सिचुएशन 3-2 है और हमारे कंट्रोल में भी है, तो देखते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। फिलहाल तो मैं इधर जाता हूँ और T-49 सामने मुझे दिख जाता है, T-49 मेरे ऊपर शूट करता है हाईली एक्सप्लोसिव, उसका पेनिट्रेट नहीं करता है, मैं भी सेम करता हूँ और मेरा भी पेनिट्रेट नहीं करता है। तो इसी के साथ में से वैसे उसको शूट करने की जरूरत नहीं थी, मतलब कि मेरे ख्याल से मैं वन शॉट ही था उसके लिए, वो पता नहीं क्यों शूट किया, लेकिन हाँ हमने जो शूट किया ना वो हमें थोड़ा ज़रूरी था क्योंकि वो शायद ज़्यादा डैमेज पे बैठा था, तो फिर हमारा नॉर्मल से उसको किल नहीं कर सकता था। और ये T-49 बिल्कुल ही गवार प्लेयर था, बिल्कुल ही समझ नहीं आता क्या किया करा वो, कि शूट एम नहीं किया, ऐसे ही कर दिया स्नैपशॉट और वो मर गया। अब फाइनली सिर्फ T-44 बचा है और T-44 कहाँ हो सकता है, मुझे लग रहा था ना कि वो इधर ही आएगा क्योंकि आप देख सकते हैं T-49 इधर आया था, तो मैंने सोचा कि हो सकता है इधर आए उसके साथ साथ, बट फिर लगा कि नहीं, तो कहाँ हो सकता है T-44, अब वो आखिरी बंदा है वैसे, तो मैं यहीं पे बैठा हुआ हूँ क्योंकि यहाँ से पूरा व्यू अच्छे से दिखता है, तो देखते हैं कहाँ पे हो सकता है। मुझे लग ही रहा था कि इस साइड हो सकता हो क्योंकि बाकी एरिया में तो स्पॉट हुआ नहीं है, बट स्टिल कोई आइडिया खास नहीं था मेरे पास। देखते हैं हमारी टीम उसको स्पॉट कर पाते हैं कि नहीं, कोई ना कोई मेंबर वैसे स्पॉट तो कोई ना कोई कर ही लेगा। फिलहाल ये देखिए ये बंदा ही सामने से गया, मैंने पहले ही कहा था ये बंदा बहुत अच्छा प्लेयर नहीं है, लेकिन उसके लक अच्छा था कि उसने सही समय पर शूट कर दिया, तो हम दोनों साथ में ही मरते हैं यहाँ पे। और 6000 का ये डैमेज का ये बैटल और साथ में मास्टरी अच्छा गेम था, तो आप देख सकते हैं ये टैंक काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है बैटलफील्ड पर भी। दोस्तों आपने देखा कि आखिर ये टैंक कितना अच्छा परफॉर्म करता है बैटलफील्ड पे, और जैसा कि मैं आपको बता रहा था ना कि क्यों मुझे बड़ा वाला गन पसंद है टॉप गन, वो इसीलिए क्योंकि 600 डैमेज डील करता है, एक बार में आप निकलिए जाइए शूट करिए फिर वापस से छुप जाइए, आप ये ऐसा टैंक है ही नहीं ये कि आप सामने ज़्यादा देर रहना चाहेंगे अपने एनिमी के, इसीलिए बस जाइए शूट करिए फिर छुप जाइए, इसीलिए मुझे ये टॉप गन इतना पसंद है। दोस्तों वैसे बता दूं कि ये टैंक काफ़ी अच्छा है,
साथ में ये जो लाइन है ना वो भी काफ़ी अच्छा है, जो कि ग्रिल 15 तक जाता है। ग्रिल 15 थोड़ा एग्रेसिव टैंक है लेकिन मुझे बहुत पसंद आता है, तो फिर डेफिनेटली आप ये टैंक और ये लाइन ग्राइंड कर सकते हैं। और दोस्तों एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि इस समय वॉर गेमिंग का कुछ बर्थडे चल रहा है कि वॉर गेमिंग के 25 साल कम्प्लीट हुए हैं, तो फिर ये इवेंट आया है। आप लोग जानते ही होंगे यहाँ पे 25 बैटल जीतने हैं तो फिर आपको यहाँ पे ये सारे रिवॉर्ड्स मिलेंगे, तो ये इवेंट जरूर कम्प्लीट कर लीजिएगा, फ्री में रिवॉर्ड्स मिल रहे हैं ऑफकोर्स। और साथ ही साथ दोस्तों एक और चीज़ मैं बता दूँ कि यहाँ पे जो टेक्ट्री है यहाँ पे देख सकते हैं कितना ज़्यादा डिस्काउंट मिल रहा है, हर चीज़ का रिसर्च पे 25% का डिस्काउंट और साथ ही साथ परचेज करने पे भी 25% डिस्काउंट। और सिर्फ इतना ही दोस्तों, अगर मैं कैमो सेक्शन में जाकर दिखाऊँ आपको तो देख सकते हैं हर चीज़ पे यहाँ पे 50% अटैचमेंट पे, सारे अटैचमेंट पे 50% डिस्काउंट है, और साथ ही साथ जो कैमोज है जितने भी उस पर भी 50% का डिस्काउंट है, और जो लेजेंडरी कैमो होते हैं जो कि आपको यहाँ से देखने को मिल जाएंगे, यहाँ पर जाके आप इस सेक्शन में देख सकते हैं लेजेंडरी कैमो, उस पर भी आप देख सकते हैं 50% का डिस्काउंट चल रहा है। तो फिर डेफिनेटली दोस्तों अगर आप चाहें, अगर आपको कोई टैंक का लेजेंडरी कैमो पसंद है तो आप ख़रीद सकते हैं। हालांकि मैं उतना प्रीफर नहीं करूंगा लेजेंडरी कैमो खरीदने को, क्योंकि यहाँ पे ये पैसा गोल्ड चार्ज करते हैं और गोल्ड बहुत रेयर है आप जानते ही हैं, तो गोल्ड बचा के क्यों ना एक नया टैंक खरीद लिया जाए, इससे अच्छा कैमो खरीदने से अच्छा। बट स्टिल कुछ कैमो बहुत अच्छे हैं जो कि मन करता ही खरीदने का, जैसे कि ये शार्क वाला कैमो बहुत तगड़ा है, मतलब आप लोग का भी मन करता होगा। और साथ में डार्क विंग कैमो हो गया, ये भी बहुत तगड़ा लगता है मुझे। और भी बहुत सारे कैमो दोस्तों जो बहुत अच्छा है, जैसे ये 60 DP का कैमो तो आप जानते ही होंगे, बहुत ज़्यादा कॉमन है और बहुत ज़्यादा पॉपुलर के साथ साथ बहुत अच्छा भी लगता है। और फाइनली अगर आपको और दिखा दूँ तो फिर ये वाला कैमो तो फॉरेस्टर कैमो एक समय 5000 गोल्ड का मिल रहा था, इस समय सिर्फ 1200 का मिल रहा है। तो फिर ये सब कुछ चीज़ें हैं जो कि आप खरीद सकते हैं, बाकी ये मेन नहीं है। मेन ये है कि आप टेक्ट्री में जो रिसर्च है वो जल्दी कर सकते हैं। तो फिर दोस्तों अगर आप कोई भी टैंक रिसर्च कर रहे हो और या फिर ख़रीदने वाले हो तो फिर इस समय कर सकते हैं वो काम, क्योंकि डिस्काउंट भयंकर चल रहा है इस समय। और दोस्तों बस इतना ही था आज की इस वीडियो के लिए। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे कि RHM बोरसिंग वॉफल टनेगा और स्पैंजर 4 कैसा टैंक है, और आप लोग इसको यूज़ करना सीख गए होंगे। कोई भी अगर आपको दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हैं, और बाकी लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड सी या।